स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल कैप्चर माइन्यूट पे। आज हम डुंगेश्वरी केव को देखने आए हैं जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर है, और जानेंगे ये जगह क्यों फेमस है और इसका क्या कहानी है। तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो पे लगे रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना सफ़र। यहाँ पर लोगों की तो भीड़ बहुत सारा, आज लगता है कि नए साल के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो मैं भी यहाँ पर अकेले नहीं आऊँ, मेरे साथ भी मेरे दो भाई आए हुए हैं। ये रहा इसका नाम प्रभात और वो रहा एक जिसका नाम कुणाल है। तो चलिए अब फाइनली पहुंच गए हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे ऊपर में ये सब कुछ बना हुआ है। तो इन सब को चीज़ों को हम लोग आकर के यहाँ पे देखेंगे और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे नया। तो चलिए अब देखते हैं क्या है और फिर इसके बाद हम आप लोगों को इसकी कहानी बताएंगे। कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिलने से पहले भगवान बुद्ध यहाँ लगभग 6 वर्षों तक मेडिटेशन किए। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध अपना आत्मज्ञान आत्मत्याग कर रहे थे तभी वे भूख और प्यास के कारण बहुत कमजोर हो गए। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तभी उधर के एक गांव से एक महिला आई और उनको भोजन तथा पानी पिलाया। यह एहसास भगवान को ऐसा लगा कि जैसे मानो ये ना ही आत्म भोग था और ना ही आत्म निराशा के योग्य था। इसी सोच के साथ वे डुंगेश्वरी के गुफाओं को पीछे छोड़े आगे बोधगया की ओर चल दिए, और फिर उन्हें बोधगया में एक पीपल पेड़ के नीचे उनको बुद्धत्व यानी इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। यहाँ की गुफाएं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सुंदर है। उनको कठोर तपस्या करते हुए उनकी एक स्टैचू इन गुफाओं में से एक गुफा में बनाया गया है। एक दूसरे गुफा में भगवान बुद्ध की बड़ी स्टैचू बनाया गया है और साथ में एक माता डुंगेश्वरी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। करवाया जाता है इसी आपके, सिर्फ ये रोप ट्रैकिंग ही है, पालक जीप लाइन ट्रैकिंग है, इसका 100 चार्ज है और जंगल कैंपिंग जो होता है ना उसके लिए नीचे में कैंपिंग होता है। जिस तरह से आना चाहते हैं, ग्रुपिंग में आना चाहते हैं या सिंगल आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं, उसके हिसाब से चार्ज लगता है। आप कितने दिन रुकेंगे, एक नाइट रुकेंगे, दो नाइट रुकेंगे, उसके हिसाब से आपको पूरा सेव किया जाएगा। आपको पूरा जो व्यवस्था है खाना वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। अगर जैसे कि कोई कैंपिंग करने आता है तो लगभग उसका कितना खर्चा पड़ जाएगा एक दिन का, अगर वो कोई करने आए यहाँ पे तो? एक आदमी का, हाँ, नाइट का। हाँ, आपको 1000 से प्लस ही जाएगा। 1000 से प्लस जाएगा, और उसमें क्या खाना वगैरह ये सब इंक्लूड रहेगा? खाना और बोनफायर ये सब सब कुछ होगा। ओके, आपको यहाँ पे यहाँ का जो लोग जिप लाइन ट्रैकिंग उसके बारे में भैया ने अच्छे से समझा दिया। अगर जिस किसी भाई लोग को यहाँ पे आकर के ये जिप लाइन ट्रैकिंग या यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे है कि ये कैंपिंग करवाते हैं। कैंपिंग गया में कराना ही अलग ही बात है, क्योंकि गया में और कहीं पे भी कैंपिंग का व्यवस्था है नहीं, लेकिन
ये बहुत अच्छा है, और कैंप करने के लिए तो बहुत अच्छी है, बोनफायर ये सब वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग वहाँ से डुंगेश्वरी गुफा से निकलने के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं ऊपर इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नज़ारा समय तक कोहरे के बाद अब हल्की हल्की धूप आ रही है, और जैसे जैसे धूप आ रही है यहाँ से नज़ारा भी बहुत अच्छा होते जा रहा है। अभी इस पहाड़ का एक पड़ाव पार कर चुके हैं, और एक है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक जो कि वहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम लोग अब वहाँ की ओर जाने वाले हैं, देखते हैं चलिए। लेकिन थकान तो हो रही है धीरे, दोनों भाई भी धीरे धीरे थकते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ है, इनसे हम पूछते हैं। भैया यहाँ पे ये क्या है? ये एयरपोर्ट का कवर है, रात में एयरपोर्ट पर जहाज पार करता है जिसको सिग्नल बनता है। अच्छा, ये सिग्नल मतलब कि जहाज आकर के यहाँ टकरा ना जाए, इसके कारण टकरा ना जाए। अच्छा, सिग्नल है, ऊपर लाइट जलता है, लाइट ऊपर। अच्छा, ये आपको कुछ अनुमान होगा ये नीचे से लगभग कितना ऊँचा होगा? 500 मीटर लगभग 500 मीटर ये ऊँचा पहाड़ है। आप लोगों को यहाँ दिखा सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से इतना दूर से ये नज़ारा है। वैसे भैया आपका नाम, शुभ नाम? नाम इंद्रदेव प्रसाद। इंद्रदेव प्रसाद, आपको यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है? अच्छा, बहुत के बाद आखिरकार हमने पहाड़ के टॉप तक तो पहुंच गए हैं। आपको यहां से एक नजारा दिखाते हैं कैसा है। न्यू ईयर मनाने बहुत सारे लोग आए हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? सूरज कुमार। सूरज कुमार, आप कहाँ से आए हैं? हम मानपुर से। मानपुर से, मानपुर से आए हैं, मतलब कि देखिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आ। लगभग आधा या एक घंटा यहाँ पे स्पेंड करने के बाद और कुछ फोटोशूट करने के बाद अब मौसम भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। लग रहा है कि बारिश का मौसम और ठंड भी ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो इस कारण से अब लगता है कि अब हम लोगों को उतर जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह और भी वीडियो को देखने के लिए। और चलिए अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, ऑलवेज वेयर अ मास्क। जय हिंद, जय भारत।